हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी कीमत कभी हुआ करती थी 195 रुपये, अब वो अभी 24 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और ये शेयर गया था 84 पैसे पे भी ये शेयर गया था, लेकिन इन्होंने 5 सालों में क्या ज़बरदस्त तरीके से निवेशकों को प्रॉफिट दिया। जी हाँ, काफ़ी 5000% का तगड़ा रिटर्न दिया है और इस शेयर की चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है। तो हमने और हमारी टीम ने रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहां ऐसे ही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का 306 करोड़ की मार्केट कैप है। जी हाँ, मार्केट कैप 306 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 25 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और इसकी हाई की बात करें तो 36 रुपये 80 पैसे, लो इसकी 12 रुपये 40 पैसे। स्टॉक पी की बात करें तो 33 रुपये 40 पैसे और बुक वैल्यू इसकी 7.86 की है। जी हाँ, अगर ROC पे नजर आते हैं तो 20% की, ROE पे नजर आते हैं 16.1% की। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपये है। जी हाँ, 5 रुपीज़ है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2021 में इस कंपनी का सेल जो हुआ था 6.95 करोड़ की सेल्स कर रही थी। वही एक्सपेंसेस अभी सेल्स जो कर रही है कंपनी 22.49 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस कंपनी का 21.10 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1.73 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 1.31 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो कंपनी का काफ़ी बढ़िया। अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का सेल जो हुआ था 2021 में इस कंपनी का सेल्स 9 करोड़ की सेल्स कर रही थी, वही अभी 113 करोड़ की सेल्स कर रही है। एक्सपेंसेस कंपनी का 101 करोड़ का एक्सपेंसेस है। अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 13 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। जी हाँ, अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो अभी के 21% है और अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 82% है और 3 ईयर में 33% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डालें तो लास्ट ईयर 16% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल, जी हाँ, इक्विटी कैपिटल इस कंपनी का 2021 में 39 था और वही अभी बढ़कर 61 हो गया। रिजर्व की बात करें कंपनी के पास तो रिजर्व 35 करोड़ की रिजर्व है। अगर उधार की बात करें तो 11 करोड़ का कंपनी को बहुत उधार है। लायबिलिटी कंपनी की 23 करोड़ की लायबिलिटीज है। जी हाँ, लायबिलिटी 23 करोड़ की लायबिलिटीज है और एसेट की बात करें तो एसेट कंपनी का 79 करोड़ का एसेट है। जी हाँ, अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 69.96% की शेयर होल्डिंग है, बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 30.04% की। तो देखा जाए तो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग के पास काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ईयरली बेसिस भी कंपनी का रिजल्ट अच्छी खासी है और कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी अच्छी है और क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। जी हाँ, और दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम Rril लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, Rril लिमिटेड है और ये कंपनी आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व देखें तो काफ़ी अच्छी खासी रिजर्व है, 35 करोड़ की रिजर्व है, उधार ओनली 11 करोड़ का ही उधार है। तो चलिए एक बार चैट पर नजर लाते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों मैंने चैट ओपन कर लिया और वनडे के चैट में इन्होंने अपने निवेशकों को, जी हाँ, 2.21% का प्रॉफिट देखने को मिला। 5 डेज में देखें तो 5 डेज में निवेशकों को लॉस हुआ 5.69% का लॉस हुआ। अगर हम 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में निवेशकों को लॉस हुआ 13.54% का लॉस हुआ है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में निवेशकों को 10.16% की प्रॉफिट देखने को मिली है और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में इन्होंने 83.97% का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आप 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर में निवेशकों का जबरदस्त तरीके से निवेशकों को प्रॉफिट दिया। जी हाँ, 5,300 जबरदस्त तरीके से 5 सालों में निवेशकों को प्रॉफिट दिया। जी हाँ, अगर हम 5 सालों में देखें तो ये शेयर 86 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर हम ऑल टाइम का देखें तो ये सच में इन्होंने अपने निवेशकों को, जी हाँ, अगर 190 के आसपास ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिर गया था ये शेयर,
जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, 48-50 में से भी ट्रेड करती हुई नजर आती, फिर अभी जो ये शेयर है ना 25 रुपए के आसपास ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए शेयर की चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है। तो हमने और हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन शेयर लेने के लिए ना बेचेंगे दोस्तों। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करते तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर लेना दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।